रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के भैरव बाबा क्षेत्र में पति को बंधक बनाकर सरेआम उसकी पत्नी के साथ 8 दरिंदों द्वारा की गई सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर पूरे जिले में उबाल आ गया है। विपक्ष ने सरकार को घेरा और रीवा की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि भैरव बाबा क्षेत्र में विगत दिनों एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और घटना के 4 दिन गुजर जाने के बावजूद आरोपीगढ़ पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिले की कानून इस तरह लचर हो गई है कि महिलाएं एवं बेटियां अब धार्मिक एवं पवित्र स्थानों में भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने व गुड़ थाना प्रभारी एवं बेट प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। कांग्रेस ने पवित्र स्थलों पर नियमित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। ये जो 21 तारीख को गुड़ में भैरव बाबा मंदिर में जो शर्मनाक घटना हुई है उसको लेके हमारे जिला अध्यक्ष राजन शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोग आए हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय घटना है और जो महिला हैं, अगर कोई अगर ये धार्मिक स्थान पर जाए, और आए दिन यही हो रहा है, आपने आपके मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अधिकांश मंदिरों में आबरू महिलाओं की लूटी जा रही है। हम लोग बस ये कहने आए हैं, डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है और उन्होंने बताया है कि 8 आरोपी पकड़ गए हैं। बस हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसी के इशारे में सब कुछ हो रहा है, और अगर ये नहीं बंद होगा तो कांग्रेस पार्टी के हम सब महिला और हमारे जो पार्टी के नेता हैं हम सब लोग इसका आंदोलन करेंगे। और ये शर्मनाक घटना है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं और महिला बेचारी भटक रही है, और 24 तारीख जाके उसकी कहीं FIR दर्ज हुई। मैं महिला होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे अपराध बंद होना चाहिए। कोरेक्स और जो सबसे ज़्यादा पैकारी हो रही उससे ये अपराध हो रहे हैं, और सोशल मीडिया में जो ये सब आ रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पाबंदी लगाना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। और मैं ये चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ थे और उस महिला के साथ बलात्कार हो रहा था, दरिंदगी हो रही थी, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। लगातार महिलाओं के साथ अपराध, अभी बीते दिनों एक घटना हुई थी महिला के घर में, उसके डकैती किए और वापस होना चाहिए और साथ में उसको बंधक बना के साथ, हाँ गलत किए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के उससे हो रही है। और गुड़ में जिस एरिया में ये घटना हुई है, मेरा ये भी है आप लोगों के माध्यम से, जिस एरिया में घटना हुई है वहाँ के पूरे स्टाफ को, जो पुलिस के पूरे स्टाफ हैं उनको कायदे से पूरे टर्मिनेट कर देना चाहिए, और उनके कारण रिपोर्ट नहीं लिखी गई और पीड़िता बेचारी भटकती रह गई। हाँ, आज हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष आदरणीय राजन शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोग जो 21 तारीख को गुड़ है के भैरव बाबा मंदिर के पास में घटना हुई है, और ये घटना बहुत ही, जिसकी इतनी जितनी निंदा करें कम है, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। और इसी को लेकर के हम सब लोग आए थे, डीआईजी साहब से चर्चा हुई है, उन्होंने बताया है कि अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। सवाल गिरफ्तार होने का नहीं है, ये घटनाएं बार बार हो क्यों रही हैं, इसके लिए ठोस कदम सरकार की तरफ से क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है, और ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की तमाम घटनाएं और आए दिन देखने को मिलती हैं। सरकार इस पर कोई कदम कठोर नहीं उठा रही है, और कांग्रेस पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया है। हमारे प्रदेश के नेता इसको पूरे प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं होंगी उसके विरोध में पहले भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, आगे भी होंगे। हमारा जो काम है हम तो करते हैं, लेकिन सरकार का जो काम है, सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही है। बहुत विवश घटना है, और इस तरह की घटनाएं कोई ज़िले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हो रही हैं। 9 साल 8 साल 5 साल की बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, और
दुखद ये है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और एक तरफ बड़े प्रदेश के विकास के बात कर रहे थे, बेरोजगार रोजगार की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ ये घटना को छिपा कर उन्होंने समिट मीट यहाँ पे कराई। ये दुखद पहलू है। मेरा आरोप है पुलिस प्रशासन पर कि जिस तरीके से नशे का कारोबार फल फूल रहा है पूरे ज़िले के अंदर, ये घटनाएं कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है। कोरेक्स अलग बिक रही है, शराब अलग बिक रहा है, गांजा अलग बिक रहा है, और सब के सारे इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो हमारी पुलिस महकमा है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, और मेरा तो आरोप जनप्रतिनिधियों पर भी है, उनका बयान नहीं आना, उनकी कसावट नहीं होना। और आप सबको संज्ञान में है कि मऊगंज के माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी खुद परेशान हैं नशे कारोबार को लेकर। वो खुद जाके प्रशासन के सामने साष्टांग हो रहे थे, दंडवत हो रहे थे, और जब सत्ता पक्ष के विधायक की गुहार नहीं सुनी गई और उसका परिणाम है गुड़ में ऐसी घटना हो गई। और ये कोई पहली घटना नहीं है ज़िले के अंदर, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं। और मैं निंदा करता हूँ ऐसे प्रशासन और शासन और सरकार में बैठे लोगों की, यदि इस पे ये संज्ञान नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में समाज के अंदर और बहुत विवश घटनाएं होंगी। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरी मांग है कि जो आरोपी हैं तत्काल पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे एक मिसाल बने समाज के अंदर। घटना मंदिर, घटना जैसा मैंने सुना है भैरव बाबा का वहाँ पर मंदिर है बहुत बड़ा, उससे शायद जैसा एसपी साहब का बयान आ रहा था उससे कुछ दूरी पर था ये घटना जो घटित हुई, वहाँ पर स्पॉट था। मसला ये नहीं है घटना कहाँ पर, मसला ये है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं। और एसपी साहब के बयान में आया है कि वहाँ शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, ये सब चीज़ें वहाँ बरामद हुई हैं। तो आखिर हमारा पुलिस महकमा करता क्या है, प्रश्न ये। और मीठी मीठी बातें करने से काम नहीं चलने वाला है। मेरी पुनः आपसे यही कहना है कि जो अपराधी हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो और पुलिस जागे, प्रशासन जागे, हमारे माननीय जो यहाँ के हैं सांसद और विधायक हैं वो जगें, माननीय मुख्यमंत्री जी जगें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि समाज का ऐसा विवश रूप मत बनाएं जिससे आने वाले समय में हर किसी पे छींटे पड़ते हैं। जब भ्रष्टाचार चरम पर होगा, व्यभिचार चरम पर होगा, तो निश्चित तौर पर हमारे घर में भी उसकी आँच आएगी। मेरी आप सबसे अपील है कि ऐसी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए और इस पर जो आरोपी उनकी सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। गुड़ में भैरव मंदिर में जो एक बड़ी घृणित घटना हुई, एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ जिस तरीके से बलात्कार किया गया, और 21 तारीख की इस घटना को हमारे रीवा में एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का शो था, इवेंट था, इंडस्ट्रियल मीट, इन्वेस्टर मीट के नाम पे, उस शो में पूरा प्रशासन लगा रहा और ये घटना 21 की थी और इसको प्रकाशित होने में, लोगों तक जानकारी आने में 24 तारीख आ गई। इसको दबा के रखा वहाँ की पुलिस ने। आज इन तमाम विषयों को लेकर हम लोग सुबह से पुलिस प्रशासन से मिलना चाहते हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि पहले हम पुलिस से बात करें, इस बारे में चर्चा करें, पर आज हम लोगों को किसी पुलिस अधिकारी से समय नहीं मिल पाया मिलने का। अभी जाके हमको DIG रीवा जो साकेत पांडे जी हैं उनसे मिलने का टाइम मिला, और हम कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखन भाई हैं, हमारे संगठन मंत्री रवि तिवारी सज्जन जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह जी हैं, हमारी पूर्व विधायिका विद्यावती जी हैं, हमारी विधानसभा प्रत्याशी बबीता जी हैं, हमारे विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह जी हैं, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं जीतू भाई। ऐसे सभी लोग हम लोग एकत्रित होकर, जिम्मेदार लोग आज यहाँ DIG साहब से चर्चा करने आए थे। DIG साहब ने बताया कि पुलिस ने आज कुछ आरोपियों को पकड़ा है, पर हमने उनसे ये चिंता जाहिर की कि आखिर इस मामले को क्यों दबाया गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट था उसके चक्कर में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और उन्होंने, हम लोगों ने ये भी मांग की कि जो दोषी अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त रहे हैं, कहीं ना कहीं संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने इस घटना को छुपाने का भी प्रयास किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राजनीतिक दबाव वगैरह में इन आरोपियों को किसी तरीके का फायदा मिले। क्या लगता है कि CM के कार्यक्रम में पुलिस भेजी थी, महिला भटक रही थी FIR करने को लेकर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का इन्वेस्टर मीट आपने देखा क्या था?
भारती ये एक ऐसा, देखिए पहले ये इंदौर में शो हुआ करता था, साल में एक बार दो बार, दो साल में एक बार, अब ये शो इन्होंने कई जगहों पे करने का शुरुआत कर दी। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है कि इवेंट करके और अपना फ़ायदा लेती है, लोगों को भी भ्रमित करती है कि हम बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जबकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि पहले जो इंदौर का इवेंट था उसमें सिरमौर की किसानों की हज़ारों एकड़ ज़मीन चली गई और किसानों के साथ वायदे किए गए कि इसमें इंडस्ट्री लगेगी और उस इंडस्ट्री के बाद सबके घर में एक एक रोज़गार मिल जाएगा, सबकी ज़मीनें दे दी गई, इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो ज़मीनें ले ली, उन ज़मीनों को मॉर्गेज करके बैंक में गिरवी रख के लोन ले लिया, ऐसे चले गए थे रीवा किसान। अब इस बार इन्वेस्टर मीट के बहाने फिर कोई षड्यंत्र है इनका, शहर की ज़मीन तो तमाम बिल्डर्स को बेच डाली, अब निशाना अब बाहर की ज़मीनों में होगा। अभी तक डिप्टी सीएम मिलने नहीं गए पीड़ित से, फुर्सत कहाँ है? देखिए जो व्यापार में लिप्त है उसको कहाँ फुर्सत है कि हम जाएं और पीड़ित की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं लोगों ने उसकी सुध नहीं ली और आज इसी का परिणाम है कि हमारे ज़िले की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पे लगभग महिलाओं के जो ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से दुराचार हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी विगत एक महीने से लगातार सक्रिय है। पहले हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने कार्यक्रम किया, युवक कांग्रेस ने किया, हमारी महिला कांग्रेस ने किया और इसके बाद हमारे सारे लोगों ने मिलकर एक भोपाल में सारे नेताओं ने एक मौन व्रत भी किया और अगर आवश्यकता पड़ी इसी तरीके से अपराध चलते रह गए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में और इनके निर्देशानुसार हम लोग मध्य प्रदेश बंद की ओर भी काम करें। अभी डीआईजी साहब का क्या आश्वासन मिला आपको? इन्होंने कहा 8 सभी आरोपी पकड़े गए हैं और हम महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हम लोग गंभीर हैं और इसके खिलाफ एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि पिछले 5 से जो इस किस्म के मामले हैं उनकी सबकी तहकीकात की जा रही है, जांच की जा रही है। अगर लगातार महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदर्शन भी कर रही है, एक घटना हुई थी, रेप की घटनाएं बढ़ रही है। हाँ, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए इसका एक दोष तो समाज के अंदर फैली गई बीमारियां हैं, दूसरा है ये जो हमारे इंटरनेट के जरिए जो अश्लील सामग्री परोसी जा रही है, तीसरा इसका बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ जो गोरेक्स है, जो पैकारी चल रही है, जो कोरेक्स की बिक्री चल रही है और इनके खिलाफ क्या होता है, पुलिस आए दिन थोड़ी बहुत कोरेक्स पकड़ लेगी, 8-10 बॉटल, 50 बॉटल, 2-4 पेटी लेकर फोटो खिंचा लेंगे और ख़त्म हो जाएगा किस्सा। और इसके संरक्षण भी रहता है नशीली, नशा का व्यापार कभी संरक्षण के बिना पुलिस के चल ही नहीं सकता, ये फैक्ट की बात है।